से पूरा शादी खाने में पूरा पानी आ गया, और जो उसका डेकोरेशन का सामान था वो भाई गया, सोफे टूट गए, और जनरेटर आते जनरेटर आ चले गए, और कार की दीवार चली गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। क्या नाम है शादी खाने? शादी खाने का नाम कोहिनूर गार्डन है, आतिश बाबा नगर पे, और बहुत परेशानी हो गई थी, क्या है जल्द से जल्द बड़ा कराइए, दीवार कितनी गिरी है, दीवार कितनी गिरी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। शादी खाने का, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ कोहिनूर गार्डन का, क्या जनरेटर पूरे हमारे पानी में दबा दारा जो है पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ पर, आप कितने जा है आपसे कोई किसी को भी जाकर बताइए आप लोग क्या है क्या है, यहाँ पर आके देखिए क्या पूरा यहाँ पर अंधेरे में हम लोग आप पूरी शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरे जनरेटर पानी की मोटर लिफ्ट में पानी चलेगा सब चलेगा, पूरा हर चीज़ ख़राब हो गई, इलेक्ट्रिक आइटम जितना भी है शादी खाने का पूरा तबाह हो गया साहब। अगर आप कोई भी आपके एक पार्टी के आदमी को भिजा के आप ज़रा मालूम कराइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, मैं कोहिनूर गार्डन से बात कर रहा हूँ जो हाफिज बाबा नगर में वाक़ है। यहाँ पे पानी इतना बेदर्दी से आया है कि बस अल्लाह रहम करे पूरा तबाह ताराज हो गया है, और हम लोग जो 10 साल भी जो है इसको करे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ का मुंशी हूँ, और हमारे शेख साहब को मैं फ़ोन किया, वो भी सदमे से दुचार है, तो यहाँ पे कोई चेर बाकी नहीं रही, ना कोई सफ़ार है ना कोई चेर रही, बस अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे करें, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारे माननीय सीएम साहब से, कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हरदिल अजीज़ हैं चंद्रशेखर राव साहब से, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है एक बार किसी आपके तो एक नुमाइंदे को अगर भिजा के अगर बता दें या कलेक्टर को अगर आप भिजा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, कि काफ़ी नुकसान होगा, हम सब कुछ जुट के जो है बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पे हमारा स्टाफ भी बहुत बुरा आलम है, अभी जो कीचड़ आया हुआ है जो पानी से वो जो तालाब जो पूरा उसका जो है पूरा अभी तक भी इसका मेरे बसा हुआ है, काफ़ी नुकसान हो गया साहब, हम लोग 10 साल पीछे हो गए, तो बड़ा मेहरबानी हमारे हानरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि वो कुछ आकर अगर देखें या अगर किसी को अगर भिजा भी दिए तो मुझे उम्मीद है हमारे सीएम साहब से, एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे तेलंगाना के, हम खुश नसीब हैं कि मेरे को उम्मीद है कि हमारे सीएम साहब कुछ हमारी दास्तान सुनेंगे और उसके ऊपर कुछ अमल करेंगे तो गरीब का फ़ायदा होगा, वरना हम 10 साल पीछे रहेंगे, हमको कोई मदद करने वाला नहीं है। तो लिहाजा अदबन गुजारिश करते हैं ये हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब से, कोई आपके TRS का कोई लीडर अगर आके यहाँ पे कुछ हमारी मदद करता या कोई दिलासा देता, आज तक कोई लीडर नहीं है। हमारे MLA साहब आए, मुकामी MLA साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए, देखे करे नए, हम कम्पोजिशन के लिए कुछ बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे, मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेंट करेंगे, बताए कि अभी तक कुछ भी नहीं, कैबिनेट साहब खाने पर है वो फंक्शनल में, टोटली सामान पूरा चलेगा मेरा, कुछ भी बाकी नहीं रहा, मेरे घर वाले इस पर पलते थे, मेरे खानदान के मेरे घर वाले इस पर पलते, मेरा हुकूमत से गुजारिश है जल्द से जल्द कुछ करिए आप लोग, आ बहुत परेशान हूँ मैं। गेट टूट के पानी अंदर घुसा, वो दिख रहा ना हाइट पानी की हाइट, अच्छा हाँ 10 फीट है। ओ,
पानी गेट से घुसा है? गेट से घुसा, फिर इधर से घुसा, दीवार तोड़ी। अरे पानी, पानी, पानी।